I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both. भी मेरे रूम का डायरेक्शन कुछ ऐसा है यहाँ पे मेरा वॉशरूम है यहाँ पर है बेड और यहाँ पे मेरी अलमीरा वगैरह रखी हुई है यहाँ पर ड्रेसिंग तो आज मैं इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज करने वाली हूँ तो चलो फटाफट से चेंज कर लेती हूँ के रूम में रखी हुई चीज़ों का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं चाहे वो लिविंग रूम हो चाहे बेडरूम हो या फिर किड्स रूम हो जब भी हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो वो बहुत ही प्यारा सा एक नया चेंज लेके आता है रूम में और वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और जब भी हम रूम के डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो हमारे सामने दो चैलेंजेस होता है पहला ये कि बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाएगा रूम में बहुत ज़्यादा कचरा होगा और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा ये कैसे करेंगे दूसरा चैलेंज ये होता है कि अगर रूम छोटा है तो हमें लगता है जिस तरीके से हमने रूम में चीज़ों को रखा है और बाद में हम रीअरेंज करेंगे तो हो सकता है उतना अच्छा से हम अरेंज ना कर पाएँ और ख़ासतौर से ये चैलेंज होता है छोटे रूम में जैसा कि मेरा रूम है यहाँ पर दस बाई दस आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटा है मतलब अगर रूम में सारी चीज़ें रख दी जाए ना अलमारी कूलर बेड ड्रेसिंग इतना भी रख दिया जाए तो सिर्फ निकलने के लिए एक मात्र रास्ता रह जाता है तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपने रूम को अरेंज किया है दूसरा साथ साथ ये भी शेयर करूंगी कि कैसे हम कैसे रूम का जब भी डायरेक्शन चेंज करना हो तो किन पॉइंट्स का ध्यान रखें किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि रूम में जो हमारा अरेंजमेंट है वो जल्दी जल्दी से चेंज हो जाए और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डस्ट भी ना हो रूम में और जल्दी जल्दी से साफ सफाई भी हम कर पाएँ तो दोस्तों पहला पॉइंट तो ये है कि जितनी भी आपके रूम में छोटी छोटी चीज़ें हैं आप उनको रूम से पहले बाहर निकाल दीजिए जी हाँ इससे क्या होगा कि जो भी बड़ी चीज़ें हैं जैसे अलमीरा हो गई या फिर ड्रेसिंग हो गया बेड हो गया इनको मूव करने के लिए आपको बहुत सारा जगह मिल जाएगा और दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ भी आपने जो भी सामान निकाला है रूम के बाहर वो जितना भी एरिया खाली हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा डस्ट फ्री करने के लिए थोड़ा सा एक गीले पोछे से ज़रूर उस जगह को पहुँच दीजिए उसे जो उड़ने वाली डस्ट होगी जो सामान के ऊपर उड़ उड़ के बैठ जाती है डस्ट वो बिल्कुल भी जमा नहीं होगी उस पर और दोस्तों जब भी हम किसी कॉर्नर पे कोई सामान बहुत दिनों से रखे हुए होते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाले लग जाते हैं उसे ज़रूर साफ़ कर लीजिए तीसरा पॉइंट यही है कि बिल्कुल मत भूलिए उस कॉर्नर पे कोई नया सामान लगाने से पहले एक बार जाले ज़रूर झाड़ लीजिए उससे आपका वॉल बहुत ही सुंदर क्लीन हो जाएगा और दोस्तों फोर्थ पॉइंट ये है मेरा कि जो भी डेकोर पीस जो भी पोस्टर पेंटिंग आपने अपने रूम में लगाया है उसे भी रीअरेंज करिए जब वो नए वॉल पे लगाएंगे आप उसे नए तरीके से तो वो देखने में और भी खूबसूरत लगेगी और थोड़ा सा चेंज भी मिल जाएगा और ये पेंटिंग आप लोग के साथ मैंने शेयर की हुई है अगर आपको देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ये मैंने अपने बेड जो मेरा बेड है उसके मैच का बनाया हुआ था तो जरूर देखिएगा और देखो इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे सनसी का यूज रही हूं और ये कैसे लगाया है मैंने वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी और दोस्तों देखिए बिल्कुल भी वॉल ख़राब नहीं हुई है और ये मेरा रेंटल हाउस है तो सबसे ज्यादा लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे हैंग करें उसे तो ये देखिए मैं जो है तो इसे केवल क्लिप से मैंने इसमें जो बोर्ड है मेरा जिसपे मैंने पेंटिंग की थी उसको बिल्कुल केवल क्लिप से मैंने फसाया हुआ था वॉल पे जो कि वॉल पे इजिली चली जाती है और वॉल भी बिल्कुल भी खराब नहीं होती है दोस्तों फिफ्थ पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं कि हम अपने रूम का अगर नया डेकोर कर रहे हैं तो हर चीज़ें नई ही लेकर आएं कुछ हम पुरानी चीज़ों से भी कलर कॉम्बिनेशन अगर सही तरीके से करेंगे तो वो चीज़ें भी बहुत खूबसूरत लगने लगेंगी और देखो ये वाले कर्टन में ले ही लगाने के लिए मेरा पुराना ही कर्टन है तो ये वाला कर्टन जो है इस वाली विंडो पे मैं पूरे में लगा दूंगी क्योंकि अलमारी में पहले आधा ढाका रहता था लेकिन अभी ये पूरा ओपन हो जाएगा तो ये पूरे में कर्टन जो है तो ये वाला लगाऊंगी हालांकि मैं सोच रही थी कुछ मुझे पर्पल कलर का मिल जाता तो अच्छा था पर मेरे पास है नहीं और परचेज़ करने में तो बहुत टाइम लगेगा अभी देखती हूँ अगर कुछ अच्छा मिला तो मंगाऊँगी अदरवाइज अभी ये लगा रही हूँ और ना इसके साथ जैसे मेरा कुशन ये वाला मैंने लगा रखा था पहले ही क्रीम कलर और ग्रीन कलर का ये बॉर्डर इस पर जो दिख रहा है तो मुझे लगता है मुझे कर्टन लेना भी नहीं पड़ेगा और इसके साथ ये बहुत अच्छे से जाएगा और ये वाला भी कुशन जो है ना मेरे पास दो का सेट है तो ये शायद अच्छा जाएगा देखते हैं लगा इसको और दोस्तों सिक्स पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि अक्सर हम महिलाएं करते हैं सुपर वूमेन बन जाते हैं और जैसा कि मुझे देखिए मैं बेड खिसकाने में लगी हुई हूं लेकिन वो बिल्कुल भी हिलने का नाम नहीं लेगा तो ज़रूर घर में हेल्प लीजिए अपने हस्बैंड की या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपकी हेल्प कर सके और बेड को मूव कराने में आपकी मदद कर सके तो बेड होता है बहुत ज़्यादा भारी छोटे छोटे चीज़ें आप कितने भी हटा लें लेकिन बेड के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प लेना चाहिए और बेड के अंदर का कोई भी सामान मैंने अभी इसमें नहीं निकाला हुआ है क्योंकि अगर बेड के अंदर का सामान निकालेंगे तो ऑब्वियसली पूरा दिन जो दूसरा दिन है ना मुझे इनको जमाने में लग जाएगा तो बेड में सामान रखा हुआ है इसे बहुत दूर तक तो मूव करना नहीं है जस्ट डायरेक्शन चेंज करना है तो आराम से आप इसके अंदर का सामान बिना निकाले इसको थोड़ा सा हस्बैंड की हेल्प से मैं यहाँ पे देखिए इसको जो है तो रीअरेंज कर रही हूँ और अब मेरा जो बेड है वो रीअरेंज हो चुका है बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं खुद इनको अरेंज कर लूँगी और अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरा रूम कितना प्यारा लग रहा है कैसे मैंने छोटी छोटी चीज़ें को अपने रूम में अरेंज किया हुआ है ताकि स्पेस की भी प्रॉब्लम ना हो और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगे सो so, दोस्तों मेरा जो बेडरूम है वो बहुत अच्छे से अरेंज हो चुका है जितना हो सका मैंने उसे अच्छे से अच्छा डेकोरेट करने का कोशिश किया है वो भी बिल्कुल ज़ीरो बजट में जो भी मेरे पास था जो भी चीज़ें थी उससे मैंने उसको पूरा डेकोरेट किया है तो आइए इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं एक भी टाइम नहीं लेते और मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ बताऊँगी कि कहाँ पर क्या चीज़ें मैंने रखी है अपने रूम में ताकि जो स्पेस है ऑब्वियसली रूम काफ़ी छोटा है तो स्पेस भी दिखे रूम में और चीज़ें अरेंज हो जाएँ तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड दोस्तों जैसे हम रूम को एंटर करते हैं तो रूम में सबसे पहले जो गेट है उसके पीछे देखिए कुछ हैंगर्स लगे हुए हैं जिसपे डेली की जो क्लॉथ है आप हैंग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये आ, पूरा ओपन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर रखा है अपनी साइड टेबल ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर रात में जैसे पानी वगैरह पीना है कुछ भी चाहिए तो ये टेबल की जरूरत तो पड़ती है और इस बेडरूम के दूसरे साइड पे आप देखिए बिल्कुल भी कोई भी वहाँ पर कॉर्नर या फिर स्पेस नहीं है कि मैं साइड टेबल को कहीं और रख सकूँ तो मैंने इसको यहाँ पर रखा है तो ऊपर मैंने रखा है देखिए पानी की ग्लास जग और ये कुछ माउथ फ्रेशनर है यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं अपना मोबाइल वगैरह जैसे रात में अक्सर हम लोग मोबाइल चलाते हैं और कई बार रखते हैं तो यहाँ ये स्पेस मैंने इसलिए खाली रखा है नीचे कुछ मेडिसिन वगैरह है उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर जो जिम का जो भी सामान है वो रखा हुआ है क्योंकि मेरे सुबह सुबह जिम वगैरह जाते हैं तो उनका सारा सामान जो है ना मैंने एक जो रैक है इसके लिए स्पेशली रखा हुआ है और नीचे कुछ बाद देखिए ये विंडो जहां पे साइड में मैंने एक की सीनरी लगा रखी है यहाँ पर और यहाँ पे देखिए पीछे विंडो है और विंडो में ना थोड़ा सा विंडो में जो है तो स्पेस भी है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेरा जो स्टोरेज टाइप का मैंने यहाँ पे बना दिया क्योंकि ये जो है थोड़ा सा ऊपर है अगर हम विंडो खोलेंगे तो भी कुछ भी नहीं दिखना है यहाँ पर इसलिए मैंने थोड़ा सा पीछे जो है ना एक स्टोरेज बना दिया है कि जो विंडो है उस पर पीछे कुछ भी हम सामान इसके पीछे जस्ट रख सकें अगर हम विंडो को खोलते तो भी वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा तो ये एक स्टोरेज मुझे मिल गया यहाँ पर और इसका जो लुक है कुछ इस टाइप से आ रहा है तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है और मैंने अभी बेडशीट जो है मेरी चेंज कर दी है क्योंकि आ, कल मैं जब रूम को रीअरेंज कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा वो डस्टी हो गई थी तो मैंने वो निकाल के वॉश कर दिया है अभी विंटर चल रहा है लेकिन यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट रखना है और ब्लैंकेट अभी नहीं रखा हुआ है दूसरे रूम में वो रखा हुआ है तो यहाँ पर ब्लैंकेट आ जाएगा और इसके बाद ये वाली जो वॉल है वो मैंने बिल्कुल खाली रखी है क्योंकि ना रूम अगर आप सारी वॉल को भर के रखते हैं सारी वॉल पे अगर हम कुछ हैंग करके रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगता है रूम तो इस वॉल को मैंने इसीलिए खाली रखा है इसके बाद जब हम इस कॉर्नर पे आते हैं तो यहाँ पे भी जो मेरा एक स्टोरेज है किचन का एक बकेट रखा हुआ है क्योंकि मेरे किचन काफ़ी छोटा है तो वहाँ पर सामान नहीं आ पाता है पूरा तो मैं कुछ स्टोरेज का जो सामान है बेडरूम में भी रखना पड़ता है तो ये जो लिड वाली बकेट है तो इसमें कुछ ग्रॉसरी आइटम वगैरह रख रह, रखते हैं हम तो इस वजह से देखिए ये क्लॉथ से मैंने इसको ढक दिया है इस तरह से और ये मेरी टेबल का कवर मैंने बनाया था वो है तो इस तरह से ढक दिया तो और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और लग भी नहीं रहा है कि कुछ वहाँ पर है आप चाहे तो कभी जैसे पानी की ग्लास वगैरह भी रख सकते हैं एज अ टेबल छोटा मोटा काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हाँ बैठने के काम नहीं आएगी बट कुछ सामान रख सकते हैं और इसके बाद मेरी अलमीरा है अलमीरा के ऊपर यहाँ पे मैंने रख रखा है दो जो ट्रैवल बैग हैं वो रख रखा है क्योंकि और कहीं जगह नहीं है उसके बाद साइड में ये एक मेरा ट्रैवलिंग का बड़ा बैग है जब कभी हम कहीं बाहर जाते हैं कई दिनों के लिए तब हम इसको यूज़ करते हैं और ज़्यादातर तो उसी में ही काम हो जाता है तो ये बहुत कम निकलता है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ना साड़ियाँ वगैरह भी तो रखी हुई है मेरी और इसके बाद ये वाला स्टोरेज जो है मैंने आप लोग को दिखाया भी था कि जितने भी विंटर के जो कपड़े होते हैं उनको रखने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है तो ये वाला बॉक्स जो है मैंने अभी डी किया था आप लोग के साथ शेयर भी किया था तो ये मैंने जस्ट इसके ऊपर अच्छे साइज में आ रहा था तो यहाँ पर रख दिया है और इसके बाद मेरा ये रखा हुआ है कूलर और कूलर के ऊपर देखो मैंने यहाँ पर रखा है एक मेरा प्लांट प्लांट के जस्ट बगल में मैंने रखा है यहाँ पे देखिए मेरा एक नाइट लैम्प जो कि डी है सबसे पहले तो मैं इसको लाइट बंद करके आपको दिखाती हूँ तो ये नाइट लैम्प काफ़ी खूबसूरत लगता है ये एक हाउस लैम्प हाउस बना हुआ है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप इसको बनाना बता दें तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है जिसकी वजह से ना मैं इसका वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ बट मैं ठीक है कभी टाइम मिला तो ज़रूर डाल दूँगी और मैं आपको भी थोड़ा सा बताऊँगी कैसे बना है ये तो ये जो है ना जो कार्डबोर्ड होता है छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना जैसे दवाई वगैरह के जो बॉक्स आते हैं कार्डबोर्ड कार्टून वाले तो उनको मैंने ये देखिए साइड से ऐसे स्लैंटिंग ऐसे ऊपर से कट करके इसको चिपकाया हुआ है इस तरह से छोटे छोटे ये दिख रहे हैं आपको आगे तो ये जैसे ये दिख रहा है तो और उसको सामने से भी मैंने कट करके जो प्लास्टिक शीट होती है ना जैसे कि फाइल वगैरह में जो लगता है तो उस शीट को भी ऐसे जो है तो चिपकाया हुआ है और ये सब कुछ कार्डबोर्ड है तो इसका खर्च भी बिल्कुल नहीं आया था सिर्फ कलर का जो खर्चा है वो और ये जो न्यूज़पेपर का रोल बताया आपको उसको कटिंग करके लगाया है और अंदर से लाइटिंग पूरी फिट कर दी है और हाँ एक चीज़ और जो ये आप ऊपर देख रहे हैं तो ये भी कार्डबोर्ड की छोटी छोटी कटिंग है तो इस तरह से कटिंग लगाया हुआ है ताकि वो हाउस की तरह दिखे और वाकई में बहुत ज़्यादा रियल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट जीरो बजट है मतलब सिर्फ कलर का पैसा लगा आप ये समझ सकते हो और उसके ऊपर देखो मैंने जो सीनरी जो बनाई थी वो लगाई है इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की आप लोग के साथ और काफ़ी अच्छा लगता है देखो साथ में बहुत प्यारा लगता है ये आप पूरा पीछे से देख सकते हो ये साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच कर रहा है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है साथ में रखने में इसका पूरा लुक बहुत अच्छा आया हुआ है और इसके बाद मेरा ये वॉशरूम का डोर है अंदर वॉशरूम है इसके बाद देखिए यहाँ पे डोरमेट है स्लीपर्स हैं और इसके बाद है हमारा ये जो ड्रेसिंग है तो ड्रेसिंग में भी देखो अभी मैंने थोड़ा सा ना इनको भी अरेंज करने के लिए ये एक जो यहाँ पर कुछ भी नहीं था ऐसे ही हम रख देते दे थे तो काफ़ी फैला हुआ दिखता था तो ये मैंने बनाया था ये भी डी किया था तो एक ड्रॉज जिसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ और ड्रेसिंग को भी थोड़ा सा अरेंज करके अगर आप रखते हैं तो बेडरूम का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है जैसे कि एक हेरबेंड स्टैंड मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था ये पहले बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा लगता था लेकिन जब कुछ चीज़ें आप बनाते हैं ना छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र तो वो आपका अगर स्पेस नहीं है रूम में कहीं भी तो वो भी बहुत अच्छे से आप अरेंज करके अगर किसी चीज़ों को रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है तो अभी आप देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल जो है मेरी ड्रेसिंग है वो काफ़ी खाली खाली और अच्छी सी लगने लगी है और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी ना एक स्टोरेज है ये देखिए ये टंकी रखी हुई है इसमें भी किचन के ही कुछ सामान है मैंने आप लोग को बताया ना किचन मेरा बहुत छोटा है तो वहाँ पर सारा सामान नहीं आ पाता तो बस जस्ट मैंने भी इस पर भी कवर रखा डाल दिया है और एक कुशन लगा दी है तो ये बैठने के भी काम आ जाती है और देखने में भी आप देखो कितना प्यारा लग रहा है ये एंड दोस्तों मुझे लगता है कि एक छोटे से रूम को जमाना बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि हमें सारा सामान भी उस रूम के अंदर रखना होता है और रूम में प्रॉपर जगह भी दिखनी चाहिए तो आप जगह देखिए मेरे रूम में यहाँ पे भी जगह इतनी काफ़ी है खाली मतलब जितना भी हो सकता था मैंने इस रूम में स्पेस को बना के रखा है तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी एंड कुछ आइडियाज़ भी आपको मिले होंगे इससे ज़रूर दोस्तों कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोग को कैसा लगा मेरे रूम का रीअरेंजमेंट और रूम डेकोर तो, तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलेंगे एक प्यारी सी न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग